गया में भीषण गर्मी के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। लगातार पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, जिसके कारण लोगों को पीने का पानी, सिंचाई सहित कई समस्या उत्पन्न हो रही है। पानी की समस्या को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा बेलागंज प्रखंड में बैठक कर पानी की समस्या की जानकारी ली गई और समस्या के निदान के लिए कई निर्देश दिए गए। बेलागंज प्रखंड के साकिर बीघा पंचायत में ग्रामीणों की पानी की समस्या को देखते हुए जिला पदाधिकारी के निर्देश पर कई नहर एवं आहार की खुदाई की जा रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है, इस नहर की खुदाई होने पर हम लोगों को कई तरह से फायदा होगा। मेरे पंचायत के अंतर्गत जितने भी गरीब लोग थे उन्हें राशन कार्ड मुहैया घर घर जाकर हम मुहैया कराया, और काफ़ी लोगों के पास स्थिति जो विधवा पेंशन के वो पुराने लोग थे जिनका नहीं बना था उनको भी हमने बनवाया का काम किया, तथा जितने भी आहार पैन है उसको एकदम श्रेय दे के अपने कार्यकाल में पूरा करेंगे। और ये DM साहब सहयोग भी करने के लिए हमें बोले हैं, उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि किसी भी परिस्थिति में आपका ग्राम पंचायत साकिर बीघा का विकास नहीं रुकेगा। संग साथ साथ हम बहुत सा काम करने जा रहे हैं और मॉडल पंचायत भी मेरा पंचायत बहुत जल्द होने जा रहा है। पानी का समस्या यही है कि लेयर भाग जा रहा है, अच्छा सुखाड़ हो जा रहा है, पूरा पानी नहीं प्राप्त में पी पा रहा है, इधर उधर से पानी ढो रहा है। अभी एक नहर का भी खुदाई हुआ 120 फीट वाला है, कल उसमें लगा हुआ है, वही मतलब पानी भर भर के वहाँ से ही लेके जा रहा है। अभी एक नहर खुदाई का काम चल रहा है, उससे क्या फायदा होगा आप लोगों को? बहुत लाभ होगा। अच्छा, पानी का तो बहुत समस्या है, अगर नहर खुदा जाएगा तो समझ लीजिए किसान की सिंचाई में बहुत लाभ होगा, खेत उत्पादन के लिए बहुत फायदा उदा होगा, चापाकल में नहर आ जाएगा, इसमें से ऐसे बहुत पानी पीने में बहुत दिक्कत है, तकलीफ है। शाम होता है 3 बजता है, पूरा सब डेक्ची उची लेकर के सब इन्होंने पानी लाते हैं, बहुत तकलीफ है पानी के लिए। और मेरे पंचायत के अंतर्गत जितने भी गरीब लोग थे उन्हें राशन कार्ड मुहैया घर घर जाकर हम मुहैया। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, सभी राजनीतिक दल अपना ताना बाना बुन रहे हैं। भागलपुर में भी इसका खासा असर देखने को मिला है, सभी राजनीतिक दलों में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रवि शंकर प्रसाद भागलपुर पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन भी भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार कंपेनिंग करते दिख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पटना साहब के सांसद रविशंकर प्रसाद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने आज भागलपुर के अतिथि कक्ष में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक पूरे देश में चलने वाले कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को काफ़ी बेहतर बताया। उसके बाद महागठबंधन की सरकार पर जमकर बरसे। कौन कौन बनता है, जो लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम की हालत अच्छी नहीं है, उनके लिए सबक है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को मुस्लिम देश भी नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं, आदर्श मानते हैं। और जिस तरह उनको कल इजिप्ट में सम्मान मिला, अलहकम मस्जिद में वो गए, उसका जो इनोग्रेशन हुआ, पूरे दुनिया में इजिप्ट से ही जो इस्लामिक स्टडीज़ हैं वो काहिरा से ही पढ़ाई जाती पूरे दुनिया में, और वहाँ भी मोदी जी का जो सम्मान हुआ है उनको करारा जवाब मिला है। जो लोग मोदी जी को और इस देश को बदनाम करते हैं उनको जवाब कल मिल गया है। यहाँ जो कल एक जगह विस्फोट हुआ था उसके लेकर हमने SP साहब से बात किया, चिंता का विषय है कि भागलपुर में इस तरह की 2-3 घटना हो गई है और सिर्फ इस पर लीपापोती हो जाती। यहाँ चरस और गांजे का भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नौजवान के लिए हम लोग चिंतित हैं। तो ये विषय मैंने सिर्फ जोड़ा है, ऐसे रवि जी आए हैं तो एक एक करके आप सवाल पूछिए। लोकतंत्र में हर को कोशिश करने का अधिकार है, लेकिन ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी।
और इनके अंदर का अंतर विरोध इतना ज़्यादा है, क्या ममता जी कभी अलाउ करेंगी कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ वही रहे? क्या अखिलेश जी अलाउ करेंगे यहाँ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आए? तेलंगाना में तो BRS ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं, तो ये मैं, हमारे शरद पवार जी कितना अलाउ करेंगे बाकी गैर NCP की पार्टियों को, देखना है ना। तो फिर मैं कहता हूँ, और ये सवाल मैंने उठाया था, आज मैं भागलपुर के मित्रों के सामने फिर उठाऊंगा, 24 की जो बारात सज रही है इसका दूल्हा है कौन? तो बिना दूल्हे की जब बारात निकलती है उसका क्या हश्र होता है देखेंगे। ये लोग कितना भी 3-5 कर लें, ये देश अब स्थायी सरकार चाहे।